बड़े से बड़े ये जो मसला है ये एक नेशनल इम्पोर्टेंस का मसला था, और अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर हो जाता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हलाला का मसला कोई ने डाला, पॉलीगेमी का डाला तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर हो गया। तीसरी बात ये है कि इस्लाम में मस्जिद एक एसेंशियल फीचर है हमारे रिलीजन का, और कुरान में इसका ज़िक्र है, हदीस में ज़िक्र है इसका। और अफसोस इस बात का है कि जब ट्रिपल तलाक का मसला आया तो कुरान को कोट किया गया, और जब मस्जिद का मसला आ रहा तो फिर कुरान को भूल जा रहे हैं। तो चौथी बात यह है कि अगर इस्लाम में मस्जिद एसेंशियल फीचर नहीं है तो फिर क्या किसी और दूसरे रिलीजन की रिलीजियस प्लेस वो एसेंशियल फीचर होगा क्या? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अगर आप ये कह सकते कि कोई भी रिलीजन का प्लेस ऑफ वर्शिप एसेंशियल फीचर नहीं रिलीजन का, तो हम समझ सकते हैं इस बात को, मगर आज ये कह रहे हैं तो मुझे बड़ी रिस्पेक्टफुली कहना पड़ेगा कि ये अच्छा होता कि अगर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास रिफर कर देते। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब